इंसान की फिजिकैलिटी हार्डली मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान कोई बहुत लंबा चौड़ा हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती हो या बहुत अमीर हो तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप स्किल और कुछ कर गुजरने की चाह। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो इंसान आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो नाम लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्टे, एक जबरदस्त एम्परर। अपने छोटे कद की वजह से बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक बहुत बड़े रूलर एम्परर के तौर पे सामने आए और पूरी दुनिया लगभग इन्होंने जीत ली थी। पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन पूरे यूरोप में इनका वर्चस्व कायम हो गया था और जबरदस्त कमाल कर दिया था इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप स्किल्स और अपने दिमाग का यूज करके। तो हम आज रिव्यू करने वाले हैं ग्रेट एम्परर, ग्रेट रूलर ऑफ फ्रांस नेपोलियन बोनापार्टे की जिंदगी, उनकी बायोग्राफी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताने की जरूरत नहीं है कि पार्ट वन और पार्ट टू में लेक्चर आने वाला है। लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होगा, इसलिए बड़ा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। अगर हम फ्रांस पे जाएं, फ्रांस की हिस्ट्री, हालांकि हिस्ट्री तो हम नहीं देखेंगे लेकिन एक काफी जटिल स्टोरी है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जो भी इंसिडेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पहलू आपको पता चलेंगे पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री के और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से _ आप एजुकेशन कनेक्ट पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। देखिए दो चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये बताने वाला हूं कि पीडीएफ जो है वो जैसे ही मेरे दोनों पार्ट लेक्चर के खत्म हो जाते हैं वैसे ही वो फेसबुक पेज पे मेरे तुरंत अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहां से उठा सकते हैं। पार्ट वन के बाद मैं अपलोड नहीं करता, पार्ट टू दोनों पार्ट्स के खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और एक गुड न्यूज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बहुत जल्द मैं एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया का रिव्यू करने वाला हूं। जितने भी हैं, हर्षवर्धन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, सम्राट अशोक, कौटिल्य, चाणक्य और शिवाजी द बॉस, नहीं छत्रपति शिवाजी, इन सब के रिव्यू मैं करूंगा। तो भैया ये तो कमाल की बात हो गई, आप लोगों के लिए कुछ भी जितना हो सके की हेल्प मैं आप सबकी करूंगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत जल्द, कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं कुछ फॉरेन रूलर्स के, उनको खत्म करने के बाद हम सीधा भारत पे आएंगे और उनकी जबरदस्त हिस्ट्री और कहानी देखेंगे, ठीक है। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आपके साथ हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, नाबार्ड, आरबीआई, ग्रेड बी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए आपके साथ हैं। आराम से घर बैठ के पढ़ाई करिए और एग्जाम्स निकालिए, तुरंत ही अवेल करिए। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या देखने वाले हम नेपोलियन बोनापार्टे, जबरदस्त इनकी कहानी है, ठीक है। अर्ली लाइफ देखेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा था। स्ट्रगल क्यों रहा था, क्योंकि ये बहुत बुली किए जाते थे लोगों द्वारा, काफी ये बुली किए जाते थे। इनका कद छोटा था, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होती थी, थोड़ा सा बोलने में भी इनको दिक्कत थी, तो इसलिए लगातार ये इस चीज का शिकार रहते थे कि देखो देखो कैसा इंसान आ गया नाटा, ऐसा बोला जाता था। तो इसीलिए क्या था, ये थोड़े से आइसोलेट हो गए थे, तो इतना आसान नहीं था। उसके बाद फिर ये मिलिट्री जनरल बने और वहां से इन्होंने पूरी की पूरी सत्ता हथिया ली और रूलर बन गए और फिर खुद को एम्परर भी घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे। उसके बाद भैया इनसे बेहतरीन वॉर जनरल तो हुआ ही नहीं। इनका जबरदस्त एक मास्टर प्लान था, इन्होंने पूरे यूरोप को तो कंकर कर ही लिया था। रशिया इनके सामने सर झुका चुका था, ऑस्ट्रिया सर झुका चुका था, स्पेन, इटली सब सर झुका चुके थे। इनका एक मास्टर प्लान था कि किसी तरह ब्रिटिश को मैं खत्म कर दूं, हालांकि वो कभी पूरा नहीं हो पाया, सपना सपना ही रह गया। इजिप्ट से होते हुए, मतलब इजिप्ट में मैं नेवल शिप्स, जो ब्रिटिश की हमेशा ताकत रही है रॉयल नेवी, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए उस रूट से जाते हुए भारत के रूलर से मिलके तब हम ब्रिटिशर पे आराम से हमला करते हैं और इनको भगा देते हैं। भारत के रूलर्स हमारा साथ देंगे क्योंकि ब्रिटिश का भारत पे कब्जा था। तो अगर इस प्लान पे कामयाब हो जाते हमको आजादी 1800 में ही मिल जाती। आप सोचिए 1800 में काफी हिस्ट्री हम लोग की बदल गई होती, लेकिन ऐसा है नहीं, था होता होती इस पे हिस्ट्री चलती नहीं है, जो है वो है। फिर रूलर ऑफ फ्रांस 1805 से लगभग 1815 तक इनका रूल था। ज्यादा दिनों तक तो रूल नहीं किया था, लेकिन जितना भी रूल किया था
इन्होंने कमाल ही कर दिया था, बहुत सारे युद्ध लड़े थे और हिस्ट्री बदल के रख दी थी, मैप ही चेंज कर दिया था फ्रांस का। और उसके बाद इस बीच जो वॉर हुए नेपोलियोनिक वॉर्स, उन सबको देखेंगे, फिर फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू, डेथ जो सेंट हेलेना पे हुई। ये आप देख सकते हैं भीम का एम्पायर फ्रांस का, ये फ्रेंच एम्पायर है, फ्रांस है ये। आप देख सकते हैं ये जो लाइट ऑरेंज है, नॉमिनल एलाइज है ये नेपोलियन की, जिसमें रशिया को इन्होंने पूरा कंकर कर लिया था, जीत लिया था। ऑस्ट्रिया को तो बार बार हराया, जितनी बार उसने अटैक किया उतनी बार हराया उसने, ठीक है। उसके बाद ये रहा किंगडम ऑफ स्पेन, और ये स्विट्जरलैंड, और ये इटली, ये सब बेसिकली डिपेंडेंट स्टेट थे जो फ्रांस के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो बहुत बड़ा अंपायर था। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है इसको हराना चाहते थे, सपना था, इसको हरा नहीं पाए थे, ठीक है। उसके बाद ये चाहते थे, ये जो ऑटोमन अंपायर है और ये मिडिल ईस्ट, इसको भी जीतना चाहते थे और यहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा करना चाहते थे, इजिप्शियन अंपायर, तो ये सारी चीजें थी। तो बहुत भीम का एम्पायर था, यूरोप को तो पूरा कंकरी कर लिया था इन्होंने। अब अगर हम प्रेजेंट मैप पे आए तो ये देख सकते हैं आप, छोटा सा देश है फ्रांस, और ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन जिसने इस विशाल देश को कब्जे में कर लिया था। कमाल की बात है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। नेपोलियन भी इसीलिए जीत पाए थे क्योंकि इनकी मिलिट्री जबरदस्त, मॉडर्नाइजेशन था, कैनन गन्स थी, बढ़िया बंदूकें थी, गन पाउडर का बहुत ही एफिशिएंट इस्तेमाल, तो ये सारी चीजें थी। अब हम सीधा सीधा कूदते हैं इनकी जिंदगी पे, क्या हुआ था 15 अगस्त। कमाल की बात है, हमारा जब आजादी का दिन होता है तब इनका जन्म हुआ था, तो 15 अगस्त 1769, तो ये तो सब याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। कॉर्सिको में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में। देखिए जो फ्रेंच हिस्ट्री अगर मैं बोलूं तो फ्रेंच हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही है। कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में? देखिए यहां पे पहले ग्रीक्स का काफी इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश का तो इन्फ्लुएंस था ही था। उसके बाद फिर जो किंगडम्स हैं, जो किंग्स की मोनार्की एस्टैब्लिश हुई, काफी हाउसेस आए, ठीक है। तो चलिए मेरा पहला सवाल यही है, सबसे पहला हाउस कौन था और कौन से ईयर में आया था? फ्रांस में, ठीक है। तो वो मोनार्की एस्टैब्लिश करके चले गए, ठीक है। मोनार्की मतलब बेसिकली ऑटोक्रेसी, ठीक है, एक ही रूल करेगा, ठीक है, एक ही के पास सारी ताकत, तो पब्लिक के पास कुछ था नहीं, इससे काफी लोग परेशान थे। अभी जो 1700 से लेकर 1800 का जो एरा था, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश के पास रहा, ठीक है। हमने देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जब मैंने रिव्यू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑलरेडी, मतलब अमेरिका में ब्रिटिशर ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, फिर वहां पे 7 ईयर्स वॉर उसके पहले हुई, उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो ये सारी चीजें थी। इसमें फ्रांस भी बीच में बुरी तरह से घुसा पड़ा था, ठीक है। खैर अच्छा, इस पे हम बाद में आएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन्हीं सारी चीजों से जन्म हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इन्हीं सारी चीजों ने जन्म दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के, कि पब्लिक पगला गई थी कि ये हो क्या रहा है, फ्रांस इतनी बुरी तरह उसमें फंस कैसे गया है, ठीक है, और हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये चीज थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वापस इनकी लाइफ पे आते हैं, इनके ये भाई बहन थे, ठीक है। बाद में जब इन्होंने पूरा का पूरा एम्पायर जीता था, तो सारी की सारी चीजें अपने भाई बहन को बांट दी थी, जोसेफ को और इनके जरों को। एक को बोला कि तुम हॉलैंड के एम्परर हो जाओ, एक को बोला इटली के एम्परर हो जाए, तो ये इन्होंने किया था जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई थी, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था कार्लो बोनापार्टे और इनकी माताजी का नाम था लेतीजिया रोमिलेनो। पिताजी तो ठीक ठाक थे लेकिन माताजी इन पे बड़ी कड़ी निगरानी लगती थी, काफी डिसिप्लिन में इनको रखती थी। किंग लुई के कोर्ट में थे ये, 1777 की बात है ये, उसमें ये अटोर्नी थे, लीगल केसेस देखते थे। इन्हीं का पूरा ये शाही परिवार था और इन्हीं का ही पूरा का पूरा राज चलता था फ्रांस पे। तो ये सारी चीजें थी, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस था इनका, ठीक है, पूरे के पूरे फ्रेंच एम्पायर पे। तो ये प्रॉब्लम थी। इनके पिताजी नेशनलिस्ट थे और आजादी की बात करते थे। चाइल्ड अगर कि इनका चाइल्डहुड की बात करें तो भैया बड़े शर्मीले, मूढ़ी और बहुत ही सौम्य थे। कद काठी छोटी थी तो बड़ा इनको बुली किया जाता था। इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और एकदम अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सारे के सारे जो भी महान डिक्टेटर्स, महान वैसे तो डिक्टेटरशिप कभी महान नहीं होती क्योंकि वो कोई महान काम नहीं करते, बस लोगों को मरवाते हैं मैक्सिमम। नेपोलियन बोनापार्टे ने भी काफी हद तक ये किया लेकिन फिर भी ये हिटलर जैसे नहीं थे, काफी सही थे अगर उस मामले में हम कंपेयर करें तो। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, जितने भी ये लीडर्स होते हैं इनमें एक चीज सब में कॉमन रहती है, ये वोरेशियस रीडर होते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं। सेम चीज नेपोलियन ने की, किस्मत इनका रास्ता अपने आप बनाती जाती है। तो
जबरदस्त, जब किसी से बात नहीं करते थे तो सिर्फ ये सिर्फ पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे हर उस समय कॉलेजेस में होता था, स्कूल्स में होता था, रिलीजियस स्कूल में डालो, जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा होता है, 9 साल के हुए, इनको एक रिलीजियस स्कूल में दाखिला मिला, फ्रांस का एक छोटा सा स्कूल था ऑटन, उसके बाद ये मिलिट्री स्कूल में गए, फिर ये सबसे बड़ी और सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी ब्रियान लचटाओ, वहां पे इन्होंने पूरी पूरी पढ़ाई की अपनी और वहां से एक लेफ्टिनेंट बन के निकले, बहुत ही जबरदस्त। शुरू से ही इनको वॉर गेम्स का बड़ा शौक था, ठीक है, ये बड़ा कभी भी खेलते थे तो हमेशा उसमें लीडर होते थे और युद्ध के ही गेम खेलते थे, तो बचपन से ही पता चल गया था कि भैया ये करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे, मिलिट्री एकेडमी से फिर ये ग्रेजुएट होते हैं, मीनवाइल इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, परिवार में संकट आ जाता है, पैसे नहीं होते हैं, 2 साल का कोर्स 1 साल में करके इनको निकलना पड़ता है, तो बहुत जल्दी ये कोर्स करके निकलते हैं, उसके बाद ये फिर मिलिट्री में अपनी सर्विस देते हैं। इनके पिताजी की जो डेथ होती है वो स्टमक कैंसर से हुई होती है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद 1815 में जो हुई थी, नेपोलियन को सेंट हेलेना भेज दिया गया था, वहां पे जो इनकी डेथ हुई, हालांकि डेथ पे इनकी काफी मिस्ट्रीज है, कुछ लोग कहते हैं इनको पॉइजन दे दिया गया, कुछ लोग कहते हैं मार दिया गया, लेकिन जब इनकी ऑटोप्सी हुई तो ये पता चला कि इनको भी स्टमक कैंसर था, तो हो सकता है हेरिडिटी हो, ये जेनेटिक हो, तो ये इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे लग तो रहा है जेनेटिक ही है, ठीक है। तो ये चीज थी, तो उसके बाद एक ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद अपनी बर्थ प्लेस कॉर्सिका में सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पे आते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर द्वारा इस पे जबरदस्त एक वीडियो है, आप जरूर देखिएगा स्टडी आईक्यू पे, और उसमें ये पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक कवर किया है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि कोई भी आपको मतलब इसमें डाउट ना रहे, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक समरी मैं जरूर दे देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए, अमेरिका को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, ब्रिटिशर से, फ्रांस भी फंसा पड़ा था, अमेरिका ने ट्रीटी ऑफ पेरिस भी साइन की थी 1783 में, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन गए थे, मैंने उनकी बायोग्राफी में पार्ट टू में बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है, ठीक है। 7 ईयर्स वॉर हो चुका था, फ्रांस जो था वो भयंकर कर्जे में डूबा हुआ था और किसी तरह उसको बाहर निकलना था। तो जब फ्रांस जो था वो कर्जे में डूबा पड़ा था तो लोग बोलते थे कि एक तरफ हम यहाँ पे मर रहे हैं और एक तरफ हमारे शाही परिवार जो हैं, किंग लुइस जो हैं सोलवे जो हैं बड़ी आसानी से हर एक चीज़ खाते जा रहे हैं, अच्छे से लग्जरी लाइफ जी रही है, तो क्या हम लोग पागल हैं क्या यहाँ पे? लोगों ने बोला चलो ठीक है, रेवोल्यूशन छेड़ देते हैं, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी इसका नारा दिया गया था, और इसी नारे के साथ जबरदस्त रेवोल्यूशन छेड़ दिया इस इंसान की लीडरशिप में। लॉयर थे और नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। मैक्सिमिलियन डी रॉबस्पियर ने जबरदस्त तरीके से रेवोल्यूशन छेड़ दिया, फिर एक इन्होंने ग्रुप भी बनाया था, उसका नाम था जेकोबियन। दूसरा सवाल मेरा यह है कि कौन से साल में यह बना था और इसका नाम क्या था? ये तो दूसरा नाम है जेकोबी, लेकिन दूसरा पहला नाम क्या था? ठीक है, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या चाहे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां आपको सूटेबल लगे आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया, सबसे जो मेन टारगेट थे किंग लुई, इनको उठा के मार डालो, 1789 में शुरू हुआ था, मॉब इनके पैलेस की तरफ बढ़ा, किंग लुईस के पास गार्ड्स थे, स्विस गार्ड से बोला उड़ा दो, सबको मार डालो, स्विस गार्ड्स आए लोगों को मारने, लोगों ने बहुत ही निर्मम तरीके से सबकी हत्या कर दी। नेपोलियन बोनापार्टे ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी, वो ये चीज कभी वो भूल नहीं पाए कि कितनी बुरी तरह से इन्होंने मार डाला था, हमेशा ये चीज इनको परेशान करती रही। गले काट दिए थे लोगों ने गार्ड्स के, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए थे, पूरा जला दिया था म्यूटिलेट करके बॉडीज को, तो उनको ये लगा कि इतना ज्यादा वॉयलेंस कोई कैसे हो सकता है वॉयलेंट। वो आर्मी में थे, ठीक है, और लॉयल थे गवर्नमेंट की तरफ, उनको एक्ट करना ही था, लेकिन पूरी की पूरी ये जो मोनार्की थी वो फेल हो गई, मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी का पूरा ये किस्सा था, मोनार्की फेल हुई, डेमोक्रेसी आई। उसके बाद क्या हुआ, जैसा हर देश में होता है, जब भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य गिरता है सिविल वॉर होना ही होना है, ठीक है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा
कि वहां पे कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी फिर गठित की गई। जैसे ही ये रेवोल्यूशन आया और जैसे ही इनको एग्जीक्यूट किया गया, भाई रूल तो करना ही है किसी देश को और सारे लॉ एंड ऑर्डर तो प्रिजर्व करके रखना ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे। तो इस कमिटी को बनाया गया, ये पूरे देश को देख रही थी, लेकिन डिक्टेटरशिप इस कमिटी की स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद फिर 1795 में इसको डिसॉल्व करके डायरेक्टरी से रिप्लेस किया गया। तो ये डायरेक्टरी पूरा का पूरा देश को देखती थी, 1799 तक चली जब तक नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी सत्ता को हथिया नहीं लिया और उसको खत्म कर दी। ठीक है, तो 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट पूरा का पूरा पावर में आए तो इस डायरेक्टरी को उन्होंने खत्म कर दिया और फिर खुद एम्परर हो गए, खुद ही फ्रांस हो गए और उन्होंने फिर वॉर छेड़ दी सबके खिलाफ। तो ये सारी चीजें थी, हालांकि पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप था और डायरेक्टरी भी एक कमिटी थी 5 लोगों की गठित हुई थी और जितने भी काम थे और जो भी रूल था देश का वो देखती। तो ये सारी चीजें थी। सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1793-1794 में, पूरा चलता है, इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन जो होते हैं अपनी आर्मी लेके जाते हैं। देखिए एक चीज तो और मैं बता दूं इससे पहले, अभी मैं इस पे जस्ट वापस आता हूं कि जब ये चीज होती है तो फ्रांस में दोहरा संकट होता है। एक, फ्रांस तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ वॉर में भी होता है और दूसरी चीज ये होती है कि वो उसमें सिविल वॉर भी हो जाता है। तो जैसे ही रेवोल्यूशन आता है 48 घंटे बाद पहले नेपोलियन बोनापार्ट जाते हैं यूरोप, ब्रिटिश से लड़ाई करते हैं, ब्रिटिश को पीछे ढकेलने में उनकी आर्मीज को कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर घर में आते हैं, सिविल वॉर को वो सप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं, डायरेक्टरी की नजर में आ जाते हैं वो, ठीक है, और लॉयल हो जाते हैं किंग के वो, ठीक है। तो ये खैर बहुत ही अलग कहानी है, पूरा खुद में ही एक टॉपिक है, ठीक है, सिविल वॉर जो हुआ था फ्रांस में और फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा स्टडी आईक्यू पे, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। ये एक समरी है। तो इसको सप्रेस करने में पूरी तरह से ये कामयाब हो जाते हैं और फाइनली इनको ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। पहले आर्टिलरी कमांडर, उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। ये चीज थी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि किस तरह से डायरेक्टरी ने अपना कंट्रोल लिया और कैसे वो ब्रिगेडियर जनरल बने। तो ये चीज थी। अब क्या हुआ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पे एक नाम देख रहे हैं जोसेफीन, ठीक है, ये कौन थी, ये इनकी वाइफ थी। देखिए जोसेफीन के बारे में एक लेजेंड है, वैसे तो जोसेफीन की पहली शादी हो चुकी थी, इनके बच्चे भी थे। तो ये एक बार क्या हुआ था कि नेपोलियन जब पूरा ये ट्रायम्फ करके आते हैं दूसरी कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ब्रिटिश के खिलाफ, तो बैठे होते हैं, इनका बेटा जो है जोसेफीन का, वो नेपोलियन के पास जाता है, बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपकी तलवार देखनी है। तो नेपोलियन मुस्कुराते हुए उसको अपनी तलवार दिखाते हैं और वहीं से लव एट फर्स्ट साइट जोसेफीन से हो जाता है। नेपोलियन इनकी ब्यूटी से अमेज्ड हो जाते हैं, डैजल हो जाते हैं एकदम, कि बहुत ज्यादा सुंदर है और हमेशा प्यार करते हैं। लेकिन चीजें वैसी नहीं चलती। जोसेफीन से जो इनका रिलेशन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी था और खराब भी था। देखिए पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। जोसेफीन से क्या हुआ था कि इन्होंने एक टाइम पे ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जोसेफीन से अलग ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई थी इनके देश में, या तो ये अपने देश को चुन सकते हैं, जोसेफीन को चुन सकते हैं। बहुत सारे और भी औरतों से इनके संबंध रहे हैं नेपोलियन से और काफी उनसे बच्चे भी हुए हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, जोसेफीन से उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया। और जब ये एम्परर हुए थे, एम्प्रेस इन्हीं को बनाया, हमेशा फर्स्ट लेडी जोसेफीन ही रही थी, लेकिन अपनी शादी में भी 3 घंटा लेट पहुंचे थे जब इनसे शादी हुई थी। और एक चीज बता दूं, 48 घंटे बाद ही वॉर छिड़ गया था, तो फिर वो वॉर मतलब वॉर साइट पे चले गए थे, ठीक है, 2 दिन बाद, सॉरी 48 घंटे के बाद, 2 दिन बाद वॉर साइट पे भी चले गए थे। तो ये भी इनके में थोड़ी सी जोसेफीन को शिकायत रहती थी कि मुझे कभी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। 9 मार्च 1796 में एक सिविल सेरेमनी पे इनका पूरा का पूरा ये शादी का समारोह हुआ था। अब हम वॉर की तरफ लौटते हैं। देखिए उस समय बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया, स्पेशली ये तीन, ऑस्ट्रिया रशिया और ब्रिटिश, ये जब देखिए आके फ्रांस को अटैक कर देते थे और 6 बार इन्होंने अलायंस बनाए थे, आपको पता है 6 बार कोएलिशन बनाए थे और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी थी, आखिरी में ये जीत गए थे, ठीक है। अपने फ्रेंच एम्पायर को इनको एक्सपैंड करना था नेपोलियन बोनापार्टे को। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात क्या थी, नेपोलियन बोनापार्टे वो बहुत ही बढ़िया वॉर जनरल थे, ठीक है, और इनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी ना वो कमाल की थी, तो ये बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है, चीज थे। सबको पता चल गया था कि जो नेपोलियन है ये कमाल करेगा और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। बहुत ही छोटी सी उम्र में, 26 साल की उम्र में ये ब्रिगेडियर हो गए थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे चले गए थे, तो भाई कुछ तो बात थी। अब क्या हुआ कि वहां पे इटली में पता चला कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऑस्ट्रिया पे वहां पे वॉर था और मतलब ऑस्ट्रिया की आर्मी वहां पे तैनात थी,
नेपोलियन बोनापार्टे इटली गए और पेरिस को छोड़ दिया अपने शादी के दो दिन बाद। ठीक है, वहां पे जब ये पहुंचे तो अपनी आर्मी की हालत देख के इनको इनका दिमाग खराब हो जाता है। उनकी आर्मी पूरी डिमोरलाइज्ड, सप्लाईज नहीं, तितर बितर, आधे लीडर्स मर गए होते हैं, दिमाग खराब बोनापार्टे का। नेपोलियन उसके बाद ये सबको मोटिवेट करते हैं कि हम जीतेंगे और जबरदस्त एक स्पीच देते हैं, सबका मोरल बूस्टअप होता है उससे, और उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से हमको ऑस्ट्रियंस पे अटैक करना है और उनको ढकेलना है, और उसके बाद ये चीज करने में सफल भी होते हैं। यहीं पे ही उनको लिटिल कॉर्पोरियल का खिताब भी दिया गया था। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब ये पहुंचे थे तो इनका बड़ा मजाक उड़ाया गया था। सब बोल रहे थे कि ये छोटा सा 5 फीट 2 इंच का ये क्या कर पाएगा, हम लोग वैसे ही हारे हुए हैं, ये क्या कर पाएगा, लेकिन नेपोलियन ने करके दिखा दिया और सबका मुंह बंद कर दिया। ठीक है, तो इनको रायवोली 1797 में बहुत जबरदस्त इनको विक्ट्री मिली। ठीक है, वहां पे दो इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी इन्होंने साइन की, एक तो ट्रीटी ऑफ लियाबॉन जिसमें इटली का इनको काफी बड़ा पार्ट मिला, और एक ट्रीटी ऑफ कैंपो फोरिमो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया को लगभग इन्होंने पूरा कब्जे में ले लिया था। आर्मी तो जीती नहीं थी, पूरा कब्जे में ले लिया था। बहुत ही कम नुकसान हुआ था फ्रेंच आर्मी को, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त वॉर जनरल थे और उनकी फेवरेट इन्वेलपमेंट स्ट्रैटेजी थी कि पहले ये सेंटर पे वार करते थे, उसके बाद दो साइड से ही वार करते थे। टिपिकली उस समय फायदा ये वॉर टैक्टिक्स नहीं थी, सामने सामने जो होता था, लेकिन ये इन्होंने एक स्ट्रैटेजी इजाद की कि छुप छुप के वॉर करने की कला, और इस ये बहुत इफेक्टिव थी क्योंकि ये जीते। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब इटालियन से इन्होंने जबरदस्त कैदी लिए, ऑस्ट्रियन से इन्होंने कैदी लिए, बहुत चीजें की इन्होंने। ठीक है, एक एक करके कंट्रीज को जीतते गए। आर्मी पूरी की पूरी इनकी मॉडर्नाइज थी, कैनन गन्स थी, बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से इन्होंने अपने गन पाउडर का प्रयोग किया, एक्सप्लोसिव का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। अपने आर्मी के हर एक इंसान से एक उनको टास्क दिया कि तुमको इतना ये चीज करनी है और इस पोजीशन पे तुमको लड़ना है, तो हर एक इंसान को उन्होंने अहमियत दी जिससे मोराल बूस्ट हुआ, और यही चाहिए होता है किसी भी वॉर को जीतने के लिए, आपको ये चीज तो करनी ही पड़ती है। तो जब धीमे धीमे ये ट्रीटी साइन होती गई और जो अलायंसेस थे वो फेल होते गए, तब सबने ये बोला कि भैया ये डिक्टेटर बन जाएगा, अभी इसको संभाल लो, दूसरा चंगेज खान ना हो जाइए। लेकिन नेपोलियन बहुत ही बैलेंस्ड इंसान थे, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूरा लूट के रख दिया था इटली को, बहुत लूटा था, $45 मिलियन लूट के चले गए थे, बहुत ही जो मेटल्स थे वो लूट के चले गए थे, जो चांदी सोना सब लूट लिया था, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स उन्होंने उठा के अपने घर ले आए थे, तो ये सब लूट पूरी की पूरी चालू थी। और एक चीज बता दूं कि जब ये सारी चीजें कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्टे, फ्रांस तो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया, लेकिन जो फ्रांस के पास स्टेट थे इन पे जो डिपेंड करते थे, स्पेन इटली, वो बिल्कुल नीचे चले गए और वो परेशान हो गए थे, बहुत हालत खराब हो गई थी उनकी, इसी वजह से बार बार अलायंस उनको करनी पड़ी, उनको हटाना पड़ा। जब फ्रांस वापस लौट रहे थे नेपोलियन बोनापार्टे, तब क्या था, ये ट्री ऑफ लिबर्टी पूरे रास्ते में एक छोटे छोटे पेड़ जिनको ट्री ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया वो भी प्लांट करते गए, तो ये सारी चीजें थी। धीमे धीमे उन्होंने सबको जीत लिया, खाली ब्रिटेन रह गया था, उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटेन पे हमला करेंगे। तो ब्रिटेन पे उन्होंने बोला हम सीधे तरीके से हमला नहीं करेंगे, हम इजिप्ट पे जाके हमला करेंगे। टर्क्स का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, उन्होंने बोला कि इजिप्ट से इंडिया में ट्रेड रूट है, ठीक है, ब्रिटिश पूरा का पूरा यहीं से ट्रेड करता है शिप से, हम उनकी नेवी को वहां पे डिस्ट्रॉय करके उड़ा देंगे सब कुछ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजास्टर और ये जाल साबित हो गया नेपोलियन बोनापार्टे के लिए। ठीक है, 1798 जुलाई को उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेन चलाई। ठीक है, मिडिल ईस्ट गए, वहां पे जीतना चाहते थे, हालांकि ये हम पार्ट टू में मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि मिडिल ईस्ट में क्या पूरा का पूरा सिनारियो था। पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन को जीतना चाहते थे, उनकी जो नेवी थी उसको खत्म करना चाहते थे। पहले हुई यहाँ पे बैटल ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, तो बैटल ऑफ द पिरामिड्स हुई, ये जो बैटल ऑफ द पिरामिड्स हुई थी इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि फ्रांस तो जीत गया था लेकिन इनको लॉस हुए थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जीत जीत है। तो बैटल ऑफ पिरामिड जो कि मामलुक्स और फ्रांस के बीच में हुई थी, मामलुक्स वो थे जो रूल करते थे इजिप्ट को, छोटे छोटे रूलर्स थे, उन्होंने अलायंस बना के इनके खिलाफ लड़ी, लेकिन फ्रांस जीत गया था लेकिन लॉस हुआ था। इधर बैटल ऑफ नाइल चालू थी,
बैटल ऑफ नाइल में क्या हुआ था कि नेल्सन की फ्लीट ने, ये एडमिरल थे ब्रिटिश नेवी में, नेल्सन की फ्लीट ने फ्रांस की सेना को, फ्रांस की जो फ्लीट थी उसको निस्तना नाबूद कर दिया, पूरा का पूरा हटा दिया, हरा दिया और बर्बाद कर दिया। ये जो बैटल ऑफ नाइल थी ये डिसाइसिव फैक्टर हुई और यहीं से पूरे के पूरे फ्रेंच आर्मी जो थी वो हार गई, ठीक है, और नेपोलियन का पूरा यहां से मोराल डाउन हो गया और जो उसका सपना था कि किसी तरह वो ब्रिटिश को हरा दे और उसके बाद सात समुंदर पार जो दुनिया है वहां पे उसका इन्फ्लुएंस हो, वो अधूरा रह गया, ठीक है। तो ये चीज थी, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद जो फोर्सेस थी वो डेफिनेटली इटली में भी उनको थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बोनापार्टे वापस आए और डायरेक्टरी को ये हमेशा ये यकीन दिलाते थे कि हम जीतेंगे, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल हम ही जीतेंगे। लेकिन ये जो इजिप्ट में डिजास्टर हुआ यहाँ से थोड़ा भरोसा कम हुआ और उस समय डायरेक्टरी को भी समझ आया कि प्रॉब्लम है अब। लेकिन यहाँ पे बोनापार्टे के पास बहुत ही बढ़िया एक समय था, अपॉर्चुनिटी थी, मिलिट्री उनके हाथ में थी, हाईएस्ट रैंक पे थे, उन्होंने वही किया जो हर कोई करता है, तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। डायरेक्टरी को ये यकीन दिला रहे थे कि हम भारत जाएंगे, वहां पे उस समय टीपू सुल्तान ने नाक में दम करके रखा हुआ था ब्रिटिश की, हम बहुत जल्दी उनकी बायोग्राफी का रिव्यू करेंगे, मैं बहुत जल्दी करूंगा उनकी बायोग्राफी का रिव्यू। हैदर अली के बेटे थे, टीपू सुल्तान अगेन बहुत ही जबरदस्त वॉर जनरल थे और ब्रिटिश की नाक में दम करके रखा था, उन्होंने बोला मैं उनसे अलायंस बना के ब्रिटिश को हराऊंगा, लेकिन खैर वो इजिप्ट में हार गए तो इसका कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो वापस ये फिर फ्रांस पे आए, उसके बाद फ्रांस में क्योंकि ये हार गए थे जाहिर सी बात है काफी गुस्सा था, जब ये वापस आए थे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब क्या हुआ कि 1799 तक ये पूरा का पूरा फ्रांस में वापस आ चुके थे, इनके खिलाफ काफी लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे थे लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, खाली ब्रिटिश ही तो था, बाकी सब तो इनके अंडर था, स्पेन, इटली, रशिया सब तो इन्हीं के अंडर था, तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ऑस्ट्रिया, सारी चीज इनके अंडर थी। तो निर्भर कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन उसके बाद ये वापस आए, अब ये मिलिट्री इनके हाथ में, तख्ता पलट की बारी आ गई है, बहुत जल्द ये तख्ता पलट करेंगे, उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी। अगले पार्ट में हम सारी चीजें देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मेन वॉर्स हैं, बैटल ऑफ बोरोडिनो, बैटल ऑफ वाटरलू और मिडिल ईस्ट से कैसे रिलेशन थे और उसके बाद ब्रिटिश रशिया ने कैसे इन पे अटैक किया और फाइनली इनका जो दांव था रशिया के खिलाफ वो फेल हुआ। तो ये सारी चीजें हम पार्ट टू में देखेंगे, जरूर देखिएगा उसको। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्स सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, ये नंबर्स हैं या फिर वेबसाइट पर आप विजिट करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दस सिद्धांत तक नहीं होती, साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।